है दोस्तों, मेरा फर्स्ट फाइकस। दो इस वट वृक्ष के साथ स्टार्ट किया था, इसमें से अच्छा ग्रोथ मिला है। इसमें वैसे कुछ साल तो ऐसे ही पड़ा रहा मिट्टी में, फिर मैंने सोयल मिक्स यूज किया और फिर इसमें वृद्धि दिखाई दी। और पिछले साल से मैंने उसको ग्राउंड में छोड़ रखा था इस पॉट के साथ, और इसी वजह से इसमें जबरदस्त वृद्धि हुई। और अंगूठे के साइज का मैंने छोटा सा लगा दिया था और जाके इतना बड़ा हुआ। जैसे जैसे मैच्योर हुआ एरियल रूट निकलते गए। पिछले साल से बहुत ज़्यादा एरियल रूट निकल रहे हैं, तो इसको मैंने कुछ किया नहीं। पहले मैंने बहुत कोशिश की, ग्राफ्टिंग भी किया बट सक्सेस नहीं हुआ। बट उसको उसके हिसाब से ही मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये इस तरह का बड़ा बेस वाला भी बन चुका है, कई गुना बढ़ चुका है। तो उसका आज मैं रिपोर्टिंग कर देने वाला हूँ। पहले ही मैंने स्पॉट पे ही ट्रिमिंग कर दिया। ट्रिमिंग तो सिंपल है, आजकल हम सीख ही रहे हैं, और बस मुझे इसका ये अपडेट देना था क्योंकि ये मेरा पहला फाइकस है। हाइट भी ज़्यादा है क्योंकि पत्ते बड़े होते हैं, तो इसके अनुपात में इसकी हाइट ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो चलिए मैं रिपोर्टिंग कर लेता हूँ। इस प्लान फाइकस ने मुझे ये सिखाया कि जब तक आप इसको कोर्स सोइल नहीं देंगे तब तक ये वृद्धि नहीं करता दोस्तों। तो इस फाइकस में पर्टिकुलर ऐसे रूट तभी प्रोड्यूस होंगे जब आप उसको कोर्स सोइल देंगे, नहीं तो इसका रूट बन ही नहीं सकते। अगर हम रिपोर्टिंग में ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो ये कुछ होता है। देखिए ये जो रूट है उसकी जो रूट है तो वो ख़त्म हो गई दोस्तों। तो ये सब डायबैक मिलता है इस तरह रूट में भी, तो ये सब ना हो इसलिए टाइम टाइम पे रिपोर्टिंग तो करना ज़रूरी ही रहता है। बट हमने वृद्धि के लिए छोड़ा हुआ था इसलिए मैंने स्किप किया। एग भी दिए होंगे, ये देखिए ये किसी चीज के एग के सेल्स है। तो इस तरह का रूट चाहिए, जबकि होना ही चाहिए, तभी एक बोनसाई बन सकता है मेरे फ्रेंड्स। और इस तरह का जो रूट सिस्टम होता है उन सबको हटा के हमें एक फ्लेयर बेस बनाना है। और ऐसे में ही कुछ रूट बड़े होने लगते हैं और प्लांट फिर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अगर हम ज़्यादा वक्त तक प्लांट को छोड़ दें तो इसी रूट को हमें निकालना है, इसको भी हम निकालेंगे। तो जितना हो सके उतना फ्लैट बेस बनाना है दोस्तों, उसको भी हम निकाल देते हैं। इसी रूट्स को निकाल ही लेना है। और उसी में हमें लगा लेना है फंगिसाइड। ये जितना हो सके इतना जल्दी करना है फंगिसाइड लगाना। तो धीरे धीरे करके हमें सब निकलते जाना है। तो प्लांट को हमें इस स्टेज पे लाना है। इस तरह के रूट्स होने चाहिए, और भी ज्यादा फाइबरस होते हैं तो भी अच्छा है। देखिए ये फ्लैट बेस लाना है हमें। और फिर देखिए आपका प्लांट, आप रिपोर्टिंग कीजिए, कोई डर नहीं। अगर इस तरह का फ्लेयर आपने बना लिया है तो ही वो प्लांट एक बोनसाई के रूप में माना जाएगा मेरे ख्याल से। तो आप उसको किसी ट्रे में भी सर्वाइव करवा सकते हैं, नहीं तो मुश्किल होती है दोस्तों। बहुत रूट सिस्टम बहुत थोड़ी हो तो फिर प्लांट को सर्वाइव करने में दिक्कत आ जाती है।
तो ये सब जरूरी है करना रिपोर्टिंग। कोई कहता होगा जो बोनसाई नहीं जानता कि प्लांट को लगाते हैं फिर क्यों उखाड़ के लगाते हैं, समझ में नहीं आता। तो प्लांट को एक अच्छे रूट सिस्टम पे लाना जरूरी है। और किसी को सवाल भी होता होगा कि क्यों ये फाइबर रूट चाहिए हमें, तो दोस्तों बड़े रूट होते हैं वो पानी ढूंढने के लिए निकलते हैं, और इस तरह की छोटी रूट होती है फाइबर, वो फीडर रूट है यानी खुराक लेती है। तो पानी तो हम देते रहते हैं प्लांट को, इसलिए इसी बड़ी रूट्स प्लांट को नहीं चाहिए। जब हम प्लांट को पॉट में ट्रेन कर रहे हैं तो पॉट के हिसाब से बड़ी रूट नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे करके वो सब खत्म करनी है हमें, और केवल इसी तरह फीडर रूट पे ही ला देना है यानी फाइबर रूट्स पे। तो ये बेसिक है इसमें। तो चलिए ये अब रेडी हो गया है नए पॉट में जाने के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ी कि उसको उठा के लाना था, फिर इस तरह से प्रोसेस करना था। चलिए मैं लगा लेता हूँ। उसका पॉट भी बड़ा करना था तो 2 घंटे से मैं लगा हुआ था इसके लिए, सोइल प्रिपेयर करने के लिए। पहले ईंट को तोड़ा, साना, फिर सोइल मिक्स बनाया, और फिर जाके कहीं ये सब कर रहा हूँ मैं। और भी कुछ सोइल चाहिए यहाँ ढकने के लिए, बहुत ज़्यादा सोइल मिक्स भी लगी है, मेहनत भी इतनी लगी है। अब करना है प्लांट को स्टेबल। तो पूरा सोइल मिक्स आज जो बनाया वो सब यहाँ लग चुका है, बहुत बड़ा बकेट है। और प्लांट का बेस अगर फ्लेयर है तो हर जगह पे सोइल पहुँचनी चाहिए, इस तरह पॉकिंग कर करके, तो तभी जाके प्लांट अच्छे से बनेगा, या सर्वाइव होगा या फिर एयर पॉकेट में ही बचेगा नीचे, तो स्टेबल भी होगा प्लांट और ज़्यादा भी सोइल लग करता। जितनी देर हो सके इतना प्लांट स्टेबल होने तक आप लोगों को पॉकिंग करना है। तो अब करना है दोस्तों वाटरिंग, और ये रेडी है। उसका कैसा कैनोपी बनेगा उसके लिए तो थोड़ा वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा, जो मैंने पहले ही उस पर ट्रिम कर दिया। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।